बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। डीपीएन टीवी के साथ मैं हूं वर्दा हामिद। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया रेहम खान ने कहा है कि किताब लिखने पर पछतावा नहीं है, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा ब्लैक बेरी महफूज रहेगा। अगर ये हुकूमत सिलेक्टेड है तो मुखालिफ जमातों को पार्लियामेंट में बैठना ही नहीं चाहिए था। अवामी हकूक के लिए लॉन्ग मार्च अच्छी बात है। जब किसी अच्छी सियासी जमात से ज्वाइन की ऑफर आएगी तो तब ज्वाइन करूंगी। सियालकोट दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। मुलजिम ने 12 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके बरहना हालत में खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज थाना सब्जपीर के इलाके में वाकया आया, जहां 12 साल तलहा अचानक लापता हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान तलहा की लाश बरहना हालत में खेतों से बरामद कर ली गई। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए मुलजिम अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म करते हुए तमाम हकायक सामने रख दिए, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैफ यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नोएल खोखर का कहना है कि पाकिस्तानियों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यूक्रेन में ही रहना चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक इनका कहना था कि यूक्रेन हालत जंग में है, हर शहर में बमबारी हो रही है। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से बातचीत हो रही है। शेंजन वीज़ा की वजह से पाकिस्तानी शहरी यूक्रेन को ही तरजीह दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए डीपीएन टीवी।